उत्तर प्रदेश के बलिया में घोसी उपचुनाव में हार के बाद ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हार की बड़ी वजह बसपा का चुनाव न लड़ना, तो वहीं उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर कहा कि हम और दारा चौहान बिल्कुल मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने से कोई दिक्कत नहीं है। उपचुनाव में हार के सवाल पर बोले कि उम्मीदवार के एंटी रिएक्शन से हम लोग हारे हैं, काफी वोट तितर बितर हो गया, पार्टी को किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था। विपक्ष ने जमकर दलित बस्तियों पे पैसा बांटा, गाड़ियों से भर भर कर पैसा बांटा गया। लोगों का मानना है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये चुनाव एनडीए कैंडिडेट कैसे हार गए, क्या कारण था आपके हिसाब से? देखिए, पहला तो नंबर एक बसपा का चुनाव न लड़ना, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब वोट का अधिकार दिलाया था पार्लियामेंट में, तो जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे। उस समय आचार्य कृपलानी ने पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं वो अधिकार दिला के आ रहा हूँ, जिस दिन ये अधिकार का उपयोग करेगा उस दिन सत्ता इसके हाथ में होगी। तो जो आचार्य कृपलानी जी ने कहा कि बस इतनी बात है, हमारे लोग पैसे वाले हैं, हमारे लोगों के पास संसाधन है, हमारे लोग मजबूत हैं, हम तुम्हारे वोट को खरीद लेंगे। वही हश्र हमने देखा घोसी में, गाड़ियों में पैसे ले लेकर के सपाई लोग बांटते फिरे। हम लोग रात को कंप्लेन करते रहे, तमाम 50 लोग थाने में बैठाए गए, गाड़ियां पकड़ी गई, ये देखने को मिला। दूसरा कारण तो ये था। तीसरा कारण, जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ। एंटी धारा आप कह सकते हैं? हाँ, एंटी मतलब वही प्रत्याशी के रिएक्शन में। अगर इनकी जगह कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हमारी पार्टी का नहीं, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। जैसे अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, चुनाव मैदान में गए, तो उसमें 7-8 लोग हार गए, जीते हुए लोग थे। तो वही स्थिति, कैंडिडेट बदलना चाहिए था, हमारा अपना मानना था। बीजेपी से एक गलती हुई कि नहीं, अब वो अब भाई अब उनका मानना, बड़ी पार्टी है, उन्होंने सोच कर समझ करके दिया। हम लोगों ने पूरी ताकत से, पूरी जितने भी सहयोगी दल थे, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोग पूरी ताकत से लगे। जनता मालिक है, जनता ने जितना जो जनादेश दिया है, हम लोगों को सिरोधार है, हम लोगों की जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोग सुधारेंगे, संगठन को ठीक करेंगे, आगे हम